तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पेशेंट पवन हैं जो मुंबई के हैं। इनको स्पाइन इंजरी हुई थी 2014 में और इनका लेफ़्ट फुट जो है वो वीक हो गया था। लेफ़्ट फुट ड्रॉप है इनको। लेफ़्ट फुट में आप देख रहे हैं इनका गेट चलने का तरीका कि किस तरह से ये स्लैपिंग गेट की तरह चल रहे हैं। सो विल सी द मूवमेंट्स नाउ। तो इनका फुट जो है ये इनका थोड़ा सा मूवमेंट्स है, हम लोग इनको असेस करेंगे एक बार। थोड़े टो मूवमेंट्स बहुत कम है, ना के बराबर हैं। डॉर्सी फ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है। इनवर्ट मूवमेंट्स आर प्रीटी गुड, नॉट बैड। और नीचे का मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनका बिग टो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं है। तो इसमें हम लोग यहाँ से टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करेंगे और इसमें हम लोग टोज़ के भी टेंडन लेंगे और टिबेलिस पोस्टीरियर टेंडन यहाँ से लेंगे और टनल पास करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जोड़ देंगे। वील ऑल्सो ट्राई कि इनका ग्रेट टो जो मूव नहीं हो रहा वो किसी तरह मूव करे। स्पाइन में इंजरी हुई थी, क्या हुआ था? स्पाइन सर्जरी हो गई थी, स्लिप डिस्क हो गया था मेरे को। तो उसका तो सर्जरी करने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। सर्जरी करने के बाद एक डेढ़ साल के बाद हो गई, एक डेढ़ साल बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और अब 8 साल हो गए, अभी तक ये सही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सही। किसी को दिखाया तुमने? हाँ, फिजियोथेरेपी की थी और जो करंट लगा थे वो कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। हाई, दिस इज डॉक्टर अल्तान। ये हमारे साथ पवन पेशेंट है जो मुंबई से है और हमने इनको स्पाइन की इंजरी हुई थी। स्पाइन में कब चोट लगी थी पवन आपको? 2014 में इनको स्पाइन में इंजरी हुई थी और ऑपरेट किया गया था बेसिकली बिकॉज ही वॉज हैविंग सीवियर पेन इन हिज बैक, काफ़ी दर्द था इनको स्पाइन में। तो उसके लिए वजह से इन्होंने ऑपरेट करा था, मुंबई में ऑपरेट करा था। हाँ सर, मुंबई। तो मुंबई में ऑपरेशन करा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद पेन ख़त्म हो गया था। प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनके फुट में जो है ये वाला जो पैर है ये कम्प्लीटली वीक हो गया था, तो ऐसे मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं थे। तो ये परसों में इससे मुलाकात करी लोगों ने यहीं पे SRB हॉस्पिटल मुंबई में और हमने इनका मल्टीपल टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करी हैं। एक बार ये पैर दिखाना आपका सीधा करना। तो इनका ये वाले मूवमेंट्स ऊपर तो बिल्कुल नहीं होता था और थोड़ा सा वीकनेस इसमें इनवर्ट मूवमेंट में भी थी। द गुड थिंग वॉज एंड के थोड़ा सा टो मूवमेंट्स और नीचे जाते थे। yes, तो हम लोगों ने टिबेलिस पोस्टीरियर टेंडन को ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ पर और जो टो के टेंडन्स होते हैं इनको भी मैंने इस्तेमाल करके ये तो बिल्कुल वीक था इनका ये वाला एम्प्रो, तो इसमें भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। होपफुली द सर्जरी वेंट वेरी नाइस, सर्जरी बहुत अच्छी गई है और उम्मीद है कि रिजल्ट्स भी बेहतर होएंगे। बाकी पवन को ऐसी प्रॉब्लम तो हुई नहीं सर्जरी? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है सब कुछ उसकी? ठीक है। सो विल सी द पेशेंट आफ्टर 6 or 8 weeks और 8 हफ्ते बाद हम देखेंगे रिजल्ट्स किस तरह से। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी पेशेंट अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहता है आप लोग प्लीज़ इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू गाइज़।